इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। एक छोटे से गांव के बीचों बीच खड़ा ये स्तंभ भले ही विशाल ना हो, लेकिन इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इसका बहुत महत्व है। भोपाल से करीब 115 किलोमीटर दूर उदयगिरी की गुफाओं के पास इस स्तंभ का निर्माण 100 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ये स्तंभ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। गरुड़ नामक ये स्तंभ भारत में भगवान विष्णु की पूजा के आरंभिक उल्लेख का गवाह है। इसका निर्माण विदिशा के राजा के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने करवाया था। हेलियोडोरस विष्णु के भक्त बन गए थे और तभी उन्होंने ये स्तंभ बनवाया था। अब सवाल ये है कि ये यूनानी भारत आया कैसे, वो भी देश के मध्य में, जिसे आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, और इसका क्या महत्व है। जिस गांव में ये स्तंभ है वो कभी प्राचीन शहर बेसनगर का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ हुई खुदाई से पता चलता है कि प्राचीन समय में ये इलाका व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। खुदाई में स्तंभ के पास एक मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का मंदिर रहा होगा। इस स्तंभ की खोज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1877 में की थी। खोज के समय यह लाल सिंदूरी रंग में लिपटा हुआ था। स्तंभ पर दो शिलालेख हैं जो ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। इसके मुख्य शिलालेख से हमें स्तंभ के निर्माण का समय और इसे बनवाने वाले के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी सदी में उत्तर पश्चिमी भारत पर इंडो यूनानी राजाओं के उत्तराधिकारियों का शासन था। इन्हीं में एक शासक थे एंटियालसिडस, जो तक्षशिला के राजा थे। एंटियालसिडस ने ही हेलियोडोरस को विदिशा के राजा भागभद्र के दरबार में राजदूत के तौर पर भेजा था। इतिहासकारों का मानना है कि भागभद्र संभवतः अंतिम शुंग राजा होंगे। शुंग राजवंश मौर्य के अनुयायी थे और सन 187 से 78 ईस्वी पूर्व के दौरान मध्य और पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप पर इनका शासन था। शिलालेख के अनुसार गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि हेलियोडोरस बेसनगर आने के बाद विष्णु और भगवत पंथ का अनुयायी बन गया था और विष्णु भगवान के प्रति अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में उसने ये स्तंभ बनवाया। ये स्तंभ भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से हो रही विष्णु भगवान की पूजा का गवाह है। ये उल्लेख स्तंभ के शिलालेख में मिलता है। दिलचस्प बात ये है कि स्थानीय लोग स्तंभ को खंबा बाबा कहते हैं। उनका विश्वास है कि खंबा बाबा उनकी किस्मत बदल सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस गरुड़ स्तंभ का एक वैभवशाली इतिहास भी रहा है।